भाई खर्चा से उसका बहुत है, शॉकर वेंट है दोनों, रिम गया इसका, इस ब्रैकेट वगैरह सब गई इसकी। पता क्या देखो, ये रोड ना ऐसा नहीं है, आप रॉन्ग लेन में चलने वाला, स्लो चलो लेकिन अपनी लेन में चलो। पता क्या, ये तो चलो फिर भी स्लो थे, हम हमारे ऐसे तो बड़े तेज तेज चलते हैं, भयंकर लग जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। सो हे गुड मॉर्निंग यूट्यूब, दिस इज योर कैप्टन माउंटेन रेड लाइन। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी यार, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं मेरे यूट्यूब को लेके, मेरे ये जो भी मैं मतलब बाइक में मोटिवेशन करता हूँ, है ना। मैं लास्ट वीडियोज़ पे कमेंट पढ़ रहा था काफ़ी, तो काफ़ी क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैं उन सबका जवाब देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग सबको। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऑफिस की साइड, तो मैंने सोचा क्यों ना हम व्लॉग भी कर लेते हैं और आप लोगों से ज़रा बातचीत, आपका आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनके आंसर कर देता हूँ। तो अभी कहीं पर आगे रुकते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो यार, लास्ट थोड़ा टाइम से मेरा सेटअप ना थोड़ा अजीब चल रहा है यार, क्योंकि कुछ इशू है, लेकिन अब मैं वो सारे इशूज सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। तो होप सो कि अब आपको ब्लॉग्स में मज़ा आए, और ऑडियो क्वालिटी बताना ज़रूर कैसी लग रही है। बाकी अभी बाइक में भी मैंने कुछ काम कराना है यार, मेरे को तो टाइम नहीं लग रहा है, इसीलिए तो मैं ज़रा बिजी चल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है आजकल। तो अभी पहले इधर आगे रुकते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लास्ट कुछ टाइम में मैंने वो चीज़ अपडेट भी नहीं की आप लोगों से, मैंने बाइक में बहुत सारा काम कराया है, और ऑल द भी बाइक गंदी है थोड़ी, उस चीज़ को इग्नोर करना। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या कराया है। और लास्ट टू वीक्स पहले मेरा एक क्रैश भी हुआ था, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नुकसान हुआ था, वो भी अपडेट नहीं किया था और ना वो रिकॉर्ड था, तो मैं बता भी नहीं पाया आप लोगों को। तो उसमें मैं यार बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लिंकर तक ना बाइक चेसी पे आ गई थी, और उस कारण जो मेरी ये हैंडल रॉड बैंड हो गई थी। बाकी चलो रुक के बताता हूँ अभी, मतलब नुकसान तो हुआ है और मैंने कुछ जुगाड़ करके रखा है उसमें, क्योंकि आपको पता है जैसे कि लास्ट टाइम भी जब मेरा क्रैश हुआ था तो पार्ट्स मिलना इज लाइक बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं पार्ट्स मिलना इसके, यार पार्ट्स मिलते ही नहीं। चंडीगढ़ पता कर लिया, सोलन पता कर लिया, कहीं नहीं मिलते भाई। तो भाई साहब, जैसे कि आपको पता है कि फ्रंट टायर मेरा जा चुका था, तो सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि फ्रंट टायर अपोलो अल्फा H1 डलाना, तो मैंने प्रोटोक एक्सट्रीम था, तो टायर से आ रहा है। पहले क्वेश्चन तो बंदों का यही होता है कि आप कौन से टायर्स यूज़ करते हो और क्या सेक्शन रहता है टायर्स का, तो फ्रंट में मैं अपोलो अल्फा H1 यूज़ करता हूँ 110। जो रियर है मेरा, पहले मैं इसमें भी अपोलो अल्फा H1 यूज़ कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपोलो अल्फा S1 यूज़ किया है 140 सेक्शन का। मैं प्रोटोक एक्सट्रीम यूज़ करना था लेकिन मुझे अवेलेबल ही नहीं होगा कहीं पर वो। और फिर उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन पे, कि क्या क्या मॉडिफिकेशन मेरी बाइक में हुई है। विंगलेट आपको पता ही है, पहले से लगा था, और एक चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी इसमें, अंडरबेली, ये देखो अंडरबेली। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये इतनी रिलायबल होती नहीं है अगर आपको फास्ट राइडिंग करनी है। और सेकेंडली एक लगी है ये टेल टाइडी, ये तो बहुत एक बेसिक सी चीज़ है। फिर मैं आप आते हैं हम क्रैश पे, जो क्रैश हुआ था, क्रैश में मेरे ये एक तो हैंडल रॉड बैंड हुई थी, उसके बाद आपको स्क्रैचेस दिख रहे होंगे बॉडी पे, ये वाले ये आए थे, और ये कुछ स्क्रैचेस ये थे, वो अंडरबेली पे आए थे, और ये लीवर बैंड हुआ है अभी भी, जो कि कहीं पर मिल नहीं रहा है। और ये फुट पैक, ये देखो टेप लगा के काम जुगाड़ किया अभी मैंने, क्योंकि मिल नहीं रहे हैं अभी पार्ट्स, क्या करूँ मैं। ये देखो, ये इस नट पे आई थी, देखो नट का पूरा बुरा हाल हो गया है, पूरा स्टैंड खींच गया था, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं थी वरना मैं आप लोगों को दिखाता। बाकी अंडरबेली का सीन ऐसा है, ये रिलायबल इसलिए नहीं होती, देखो आपको दिखाऊं मैं, ये सारी खींच दी है मैंने लीन करते करते, भाई लीन करते हुए नीचे लगती है। बाकी चलो अभी यहाँ पर निकलते हैं यहाँ से, और बस यही कुछ क्वेश्चंस थे भाई लोगों के कि भाई। और मैं ये बताता हूँ, एक भाई पूछ रहा था कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हो, तो मैं करता हूँ मोटिल का 7100, गर्मियों में 20W50, और नहीं गर्मियों में नहीं, सर्दियों में 20W50, वरना 15W40 कि
बाकी हम जब लास्ट टाइम एक राइड पे गए थे तो वहाँ पर एक क्रैश हुआ था अपाचे 160 का, तो अभी ये वाला ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू होगा क्योंकि मैं वहाँ पर ब्लॉग की स्टार्टिंग करना भूल गया था। बाकी आपको ना एक बार दिखाता हूँ ये कैसे नीचे लगती है, आपको भी कोई कर्व वगैरह इस साइड से, तो बहुत इस साइड से स्टैंड पे आती है वरना इस साइड से लगती है नीचे। अभी देखना ये देखो आई आवाज, ये देखो बस यही दिक्कत है इसकी। तो चलो ये मेरे को लिमिट्स को पता लगता है कि अब लिमिट आउट हो चुकी है ना, तो बाइक सीधी ये देखो पूरे मोड़ पे नीचे लगती है भाई। बाकी चलो अब ये वाला ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि अपाचे 160 क्रैश हुआ था। भाई तुम्हारे पीछे जंकीज मिले होने पीछे, वो भाई ढांग वाली गाड़ी पीऊ ढांग चढ़ रखी ऊपर, वो तो अल्टो तो चढ़ रखी थी, अल्टो नहीं थी इंडिका थी, वो इंडिका वाला रॉन्ग साइड में चढ़ा था इनकर भाई, रॉन्ग उसने क्या अरे ढांग नहीं नीचे उतार रखी भाई, बंदे का एक्सल टूट गया था उसका, नहीं नहीं हमारे वो सुबह की बात है, सुबह की है तो भाई जिसके लगा ठीक भी हो तुम जिसके भी लगी, किसका हुआ किसका भाई, सराहा से कोई पिकअप नहीं होगी, पिकअप तो हो जाएगी वो कह ये नहीं होगी मैंने क्योंकि मैंने देखा ना वहाँ, हाँ वैसे तो हो जाएगी, आप ठीक हो ना लगी तो नहीं, कैसे रॉन्ग कौन था रॉन्ग क्या बच्चा था आगे बैठा हुआ, अरे यार ये तो सीधी सब गया रिम फट गया इसका, ये ना भी इसको निकाल दो यार, रुको रुको मैं निकाल के देता हूँ, अरे बाद में लगा लेना वायर वायरिंग खींच जाएगी इसकी, फोटो खींच लो इसकी यहीं पर। अच्छा देखते क्या बोलते भाई, अभी वो करेगा ना पूरा पता नहीं जिनसे बोले गाड़ी कौन बोले अब सोलन या सराहा में तुम्हारा कोई अगर हुआ है ना एजेंसी दिखाओ, ये तो नहीं नहीं भाई क्या पोंटे पोंटे पोंटा से आप कहां से हो, फिर तो नहीं मिलेगी आपको, अच्छा नाड़ जाइए फिर तो ठीक है, ये तो मालो वाले से भैया, ये तो देखे हुए लग रहे मुझे ना मालो वाले से, मैं शंभू वाला से हूं, हां अच्छा अच्छा ये भाई कंडे वाले ना सुनिए आप अकेले थे, दो ही थे भाई ये पहले जगुआर ले लो फिर जिन्ना मर्जी भाई ये गाड़ी दे दे भाई के ये मेरे को बुरसिंग जाके आए वहां मिले हमें यार, मेनू एक गेड़ा मान दे दे भाई क्यों रोक दे, इसका तो काम हो गया भाई यार बढ़िया घूमने आए थे जो आपसे आ रहे था आपसे आ रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगा ये जब इनसे क्लेम वगैरह ले लो ये लाइट लूट निकाल लेना वरना भाई खर्चा से उसका बहुत है, शॉकर बैंड है दोनों, रिम गया है इसका, इस ब्रैकेट वगैरह सब गई इसकी, इसका तो बहुत सीन है भाई, रिम रिम इसका कम से कम भी 5,000 का होगा, शॉकर गया टीवी गई शायद चेसी भी ना गई हो इसकी यार, क्योंकि है ना चेसी चेसी पे इम्पैक्ट आता है, हाँ वो तो है यार वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो वही है, गाड़ी में तो सब ठीक है ना, लगी तो नहीं गाड़ी वालों को किसी को, बच्चा भी था उसमें यार, इसका तो भाई ब्रैकेट वगैरह गई देखो, ब्रैकेट सारी टूट गई, सीट पे लगे होंगे ना, कोई नहीं एकदम से सडन ब्रेकिंग, आप कहाँ से हो रामपुर के बंदे, पता क्या देखो ये रोड ना ऐसा नहीं है, आप रॉन्ग लेन में चलने वाला, स्लो चलो लेकिन अपनी लेन में चलो, पता क्या ये तो चलो फिर भी स्लो थे हम, हमारे ऐसे तो बड़े तेज तेज चलते हैं, भयंकर लग जाए ना तो दिक्कत हो जाती है, आप तो हिमाचल से आपको तो क्या ही समझाना है ना, बाहर से बंदा फिर भी बोल दे, बंदा भी जा रहा है
फोटो खींच लो यार उसकी। चलो ठीक है फिर भैया, ध्यान रखियो, हैं ध्यान रखियो यार, हम तो चलते हैं।